विद्युत जामवाल इस दिन से खेलेंगे ये जंगली खेल। आने वाला है ट्रेलर। अपनी फिल्म कमांडो के दो भागों में हैरतअंगेज स्टंट्स दिखाने वाले विद्युत जामवाल एक बार फिर से तैयार हैं अपनी अगली फिल्म के साथ, जिसका नाम है जंगली। इस फिल्म का ट्रेलर 6 मार्च को रिलीज किया जाएगा। अमेरिकी फिल्म निर्माता चक रसल के निर्देशन में बनी ये फिल्म जंगल में रहने वाले एक आदमी की है, जिसका पशुओं और खासकर हाथी के साथ खास लगाव है। ये फिल्म अगले साल 5 अप्रैल को रिलीज होगी। फिल्म के टीजर में ही विद्युत को आप जबरदस्त स्टंट्स करते देख सकते हैं, लेकिन हाथी से उनकी दोस्ती ठीक वैसी है जैसे किसी जमाने में राजेश खन्ना की है। वैसे इस फिल्म का नाम जंगली है, लेकिन इसका 1961 में आई सुबोध मुखर्जी की जंगली से कोई लेना देना नहीं है, जिसमें शमी कपूर ने काम किया था। इस फिल्म की शूटिंग थाईलैंड के जंगलों में की गई है। वहां के चियांग माई एलिफेंट रिजर्व और जंगल सेंचुरी में विद्युत ने कई सारे एक्शन स्टंट्स भी परफॉर्म किए हैं। फिल्म में जानवाल एक पशु चिकित्सक की भूमिका निभा रहे हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय शिकारी रैकेट से मुकाबला करते हैं। फिल्म को बनाने में काफी रिसर्च वर्क किया है। हाल में हमने आपको बताया था कि विद्युत जामवाल अब दुनिया के उन 6 मार्शल आर्ट एक्सपर्ट्स में शामिल हो गए हैं जिन्होंने इस विधा में 7 तरह के हथियारों का इस्तेमाल कर महारत हासिल कर ली है। भारत में अब तक ऐसा कोई नहीं कर पाया है। विद्युत ने इस विधा में इतना महारत हासिल कर लिया है कि वो अब सिर्फ लोगों के एक पतले से रॉड तीर जैसा पर अपना पूरा वजह देकर बिना किसी और सहारे के संतुलन बना सकते हैं। ये उनकी कला का कमाल होता है और इसके लिए वो किसी केबल तार का भी सहारा नहीं लेते। एल फिल्म कमांडो के सीक्वल में उनके कार वाले स्टंट सीन बेहद ही लाजवाब रहे, जिसे उन्हें बिना किसी बॉडी डबल या किसी हार्नेस केबल केक या एल विद्युत ने फिल्म जंगली में 7 अलग अलग तरह के हथियारों का इस्तेमाल किया गया है। एल इसमें से एक कोटा यानी हाथी के दांत का है।